सर, बिहार में उद्योग चालू करने के लिए युवा लोन सरकार से लोन लेते हैं, क्योंकि जूता चप्पल सब खिंच जाता है, फिर भी उसको लोन नहीं मिलता है। क्या कोई आसानी तरीका सरकार को अपनानी चाहिए? बिहार में बेरोजगारी खत्म करने का, पलायन रोकने का सबसे बड़ा जो तरीका है वो है शिक्षा और पूंजी की उपलब्धता। ज्यादातर लोग, आप लोग या यहाँ के नेता, न जानते हैं न इस पर चर्चा करते हैं कि आखिर इतनी बेरोजगारी यहाँ क्यों है, लोग यहाँ से कोई रोजी रोजगार क्यों नहीं कर पाते हैं। उसके दो वजह हैं। एक तो यहाँ शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त है, तो आप पढ़े लिखे हैं नहीं, आपको समझदारी बनी नहीं, डिग्री ले लिया आपने, स्कूल में गए खिचड़ी खाए, कॉलेज में गए नाम लिखा के डिग्री लेके निकल गए, समझ तो आए कुछ बनी नहीं। लेकिन उससे बड़ी परेशानी यह है कि बिहार में पूंजी नहीं है लोगों के पास काम करने के लिए। मान लीजिए कि आपको बाल काटने आता है, अगर आपके पास 1,00,000 रुपया हो तो आप एक सैलून लगा लेंगे, उसमें 2-4 लोगों को रोजगार देंगे और खुद भी अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे। लेकिन अगर 1,00,000 रुपया आपके पास न हो, सैलून लगाने का पैसा ना हो, तो आप किसी सैलून में जाकर मजदूरी कीजिएगा। अब वो 1,00,000 रुपया सामान्यतः लोगों के पास आता कहां से? उसके आने के दो तरीके हैं, या तो आपके कमाया हुआ पैसा हो, बचत का पैसा हो, उससे आपकी पूंजी बनती है, या दूसरा तरीका है जो आप कह रहे हैं, जो बैंक वाले आपको ऋण देते हैं, लोन देते हैं। पूंजी के समाज में दो ही तरीके हैं, आपकी अपनी बचत और बैंकों से मिलने वाला लोन। मान लीजिए कि आपको घर बनाना है, आपके पास 1,00,000 रुपया अपना बचा हुआ है कमाने के बाद, खर्चे के बाद, और फिर 10,00,000 रुपया बैंक ने लोन ले लिया, तो आप 10,00,000 रुपये का घर बना सकते हैं। इस चीज को देख अगर आप समझना चाहते हैं तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक व्यवस्था उन्होंने बनाई हुई है, एक आंकड़ा जारी करते हैं जिसको कहते हैं क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, मतलब कितना पैसा लोगों ने बैंकों में जमा किया और बैंकों ने उसके बदले कितना पैसा ऋण के तौर पर वापस दिया। पैसा आप जमा करें, ये जमा करें, हम जमा करें, लेकिन जो लोग ऋण लेना चाहते हैं उनको बैंक ऋण देते हैं। ये उनका बिजनेस भी है और उनकी संवैधानिक जिम्मेवारी भी है कि अगर 100 रुपया उन बैंक में जमा होता है तो बैंक की ये जिम्मेवारी है कि 70 रुपया कम से कम वापस से समाज में लोन के तौर पर, ऋण के तौर पर दिया जाए। इस चीज को नापने के लिए एक रेशियो है जिसको कहते हैं क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो, कितना पैसा जमा हुआ और बैंकों ने कितना पैसा ऋण के तौर पर वापस दिया। देश में सीडी रेशियो है 70%, मतलब पूरे देश के लोगों ने अगर मिलकर 1,00,000 रुपया बैंक में जमा किया तो बैंकों ने 70,000 रुपया ऋण के तौर पर समाज के अन्य विभिन्न लोगों को दिया, चाहे घर बनाने के लिए दिया हो, गाड़ी खरीदने के लिए दिया हो, यूट्यूब चलाने के लिए दिया हो, सैलून लगाने के लिए दिया हो। बिहार में ये आंकड़ा है 40%। जब 1990 में लालू जी मुख्यमंत्री बने तो सीडी रेशियो था 40%। 15 साल के लालू जी के जंगल राज की वजह से ये सीडी रेशियो घटते घटते हो गया 28%। फिर नीतीश कुमार के सुशासन के दौर में, उनके अपने शब्द में जो उन्होंने सुशासन किया है, वो 18 साल के बाद ये पिछले साल बढ़कर अभी तक हुआ 40%। अब इसका असर क्या होता है वो समझिए। पिछले साल, अभी आपने कहा कि यहाँ चीनी पेपर मिल नहीं चल रहा है, पिछले वर्ष बिहार की गरीब जनता ने बैंकों में जमा किया 4,61,000 करोड़ रुपया। इसको याद रखिए, पिछले साल बिहार के लोगों ने यहाँ के बैंकों में जमा किया 4,61,000 करोड़ रुपया, सॉरी 4,21,000 करोड़ रुपया। 40% सीडी रेशियो का मतलब है कि लोगों को लोन मिला 1,61,000 करोड़ रुपये का, बाकी पैसा कहां गया 2,80,000 करोड़। बाकी पैसे को बैंकों ने बिहार से लेकर उन राज्यों में शिफ्ट कर दिया जहां पर उद्योग धंधे लग रहे हैं, जहां रोजगार है, व्यापार है। आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में, महाराष्ट्र में, गुजरात में, तमिलनाडु में, केरल में सीडी रेशियो है 90 या उससे ज्यादा। मतलब अगर आप आंध्र प्रदेश में बैंक में जाइएगा, वहां 100 रुपया आंध्रा के लोगों ने जमा किया तो बैंकों ने 100 रुपया से ज्यादा ऋण दिया। इसका असर क्या हुआ, 1990 से लेकर पिछले वित्तीय वर्ष तक बिहार से खाली लोग नहीं गए, पढ़े लिखे लोग खाली यहां से बुद्धि का पलायन नहीं हुआ, 26,20,000 करोड़ रुपया बैंकों ने बिहार के लोगों का दूसरे राज्य में भेज दिया। न बिहार में किसी को इसकी समझ है, न इसकी कोई चर्चा करता है, न उसको जानकारी। जरा अंदाजा लगाइए कि 26 लाख करोड़ रुपया
अगर बिहार के लोगों को स्वरोजगार के लिए, बिजनेस व्यापार के लिए, घर बनाने के लिए, गाड़ी खरीदने के लिए, यूट्यूब चैनल चलाने के लिए मिला होता तो कितने ज्यादा लोगों को यहाँ रोजगार मिलता, कितनी ज्यादा यहाँ रोजगार की संभावना पैदा होती। लेकिन यहाँ तो किसी को इसकी चर्चा करनी नहीं है, यहाँ तो यही बात करना है कि आपको 400 रुपया पेंशन देते हैं या वोट हमको देते रहिए। तो जब लोगों को इस, आपने अगर इतने दिन से आप पत्रकारिता कर रहे हैं, अगली बार जब वित्त मंत्री से मिलिएगा, दूसरे नेताओं की तो बातें छोड़िए, जो फाइनेंस मिनिस्टर है यहाँ उसको बुलाकर जरा पूछिए कि भैया सीडी रेशियो होता क्या है और कितना पैसा बिहार से ट्रांसफर हो रहा है ये तो बताइए, इसको रोकने के लिए आप क्या कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि ये बैंकों की कोई स्वतंत्रता है कि वो जितना चाहे पैसा रखे और बाहर भेज दें। एक कमिटी है जिसके चेयरमैन राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं, उसमें सारे बैंक के पदाधिकारियों को बैठना होता है और मुख्यमंत्री ये रिव्यू करते हैं कि जो पैसा यहाँ जमा हो रहा है वो पैसा यहाँ लोगों को ऋण के तौर पर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। लेकिन नीतीश कुमार के बात को जैसे अफसर नहीं सुन रहा है वैसे बैंक वाला भी नहीं सुन रहा है, जैसे उनकी बात को शिक्षक और टीचर नहीं, डॉक्टर नहीं सुन रहा है वैसे बैंक वाला भी नहीं सुन रहा है, और लोगों को इसकी चिंता भी नहीं है। अगर यहाँ पर लोगों को शिक्षा थोड़ी सुधार दी जाए और लोगों को ये पूंजी उपलब्ध करा दिया जाए तो गांव-गांव में बिहार के बच्चों में वो समझ, वो ताकत है, वो अपने लिए रोजगार का अवसर पैदा कर सकते हैं, बिजनेस व्यापार कर सकते हैं। जब तक वो नहीं होगा बिहार से गरीबी और बेरोजगारी खत्म होने वाली नहीं है। शिक्षा और पूंजी यही दो चीज चाहिए, मेहनत करने के लिए तो लोग 10 घंटा यहाँ मेहनत कर ही रहे हैं। तो पलायन जो है वो सिर्फ लोगों का पलायन नहीं है, श्रम का पलायन नहीं है। यहाँ पलायन को अगर आपको समझना है, पलायन श्रम का है, पलायन बुद्धि का है और पलायन पैसे का है, ये तीनों चीज यहां से जा रहा है। तो अगर महाराष्ट्र में कोई फैक्ट्री लगी हुई है जहां मोटरसाइकिल बनता है तो उस फैक्ट्री को जो लोन मिला हुआ है उसमें भी बिहार के लोगों का पैसा लगा हुआ है। वो फैक्ट्री में जो मोटरसाइकिल बन रही है उसमें मजदूर और इंजीनियर जो काम कर रहा है वो भी बिहार का लड़का है, और वहां जब मोटरसाइकिल बन जाता है तो उसको लाकर बेच, जहां बेच रहा है वो भी बिहार है। तो आजादी से पहले क्या होता था, आप यहाँ कपास का खेती करते थे, अंग्रेज यहां से कपास उठाकर ले जाता था इंग्लैंड में, वहां उसको कपड़ा बनाता था, लाकर फिर आप ही को बेचता था। वही हाल बिहार का है, हम लोग का पैसा भी जा रहा है, लोग भी जा रहे हैं, पढ़े लिखे लोग भी जा रहे हैं, और वहां जब सामान बन गया, सीमेंट बन गया, खाद बन गया, मोटरसाइकिल बन गया, तो लाकर बिहार में बेचा भी जा रहा है, तो उससे आपको लाभ तो होगा नहीं। ठीक है भैया, बहुत बहुत धन्यवाद।